पाकिस्तान के एटमी असासों का ऐलान किसने किया? पाकिस्तान को बंदरगाहों, मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, हवाई अड्डों, डैम और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के हर असासे पर किसका नाम लिखा हुआ? गैस की किल्लत का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा, क्या ये मामूली असासे हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सुबह एहतसाब अदालत पेशी और सपहर को धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां साहब ना सिर्फ सियासी मुखालफीन पर खुलकर बरसे बल्कि गुज़िश्ता 4 सालों की कारकर्दगी भी मीडिया के सामने रखी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद ना सिर्फ एटमी धमाके किए, मुल्क के लिए मोटरवेज भी बनाई और लोड शेडिंग का भी खात्मा किया। पाकिस्तान के एटमी असासों का ऐलान किसने किया? पाकिस्तान को बंदरगाहों, मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, हवाई अड्डों, डैम्स और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के हर असासे पर किसका नाम लिखा हुआ है? गैस की किल्लत का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा, क्या ये मामूली असासे हैं? मियां नवाज शरीफ अदालती फैसलों पर भी खुलकर बोले। इनका कहना था, मौलवी तमीज़ुद्दीन से नवाज शरीफ तक कई अदालती फैसलों को अवाम ने तस्लीम नहीं किया। कैमरामैन राशिद महमूद, साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ इकरा खालिद, TNS इस्लामाबाद।